हाय, आज हम बनाने वाले हैं होममेड मिक्स सीड मिक्स। इसको ऐसा मुखवास भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ इवनिंग स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डलने वाली सारी चीज़ें फाइबर में रिच है, एंटीऑक्सीडेंट में रिच है और पावर हाउस है न्यूट्रिशन की। इसीलिए ये मुखवास बहुत ही शानदार है आपकी छोटी छोटी भूख को मिटाने के लिए। इस मुखवास को सबसे अच्छी बात है कि आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जब भी आप बाहर रहते हैं या ट्रैवल करते हैं तो इस मुखवास को बीच बीच में खा लेने से आपको भूख नहीं लगती है और आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। आइए देखते हैं कैसे बनाना है मिक्स सीड मुखवास। आज हम बना रहे हैं मुखवास। मुखवास यानी माउथ फ्रेशनर। उसके लिए हमने लिया सौंफ, अलसी, सफ़ेद तिल, काला तिल और अजवाइन। इसमें डालने के लिए हमने लिया नमक और ये है नींबू का रस। इन सब चीज़ों को हमने पानी में भिगा दिया, थोड़ा पानी छिड़क के इन सबको भिगा दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, आप अंदाज से डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस और नमक डालने के बाद इसको हम फिर से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको आधा घंटा छोड़ देंगे। हम सारी चीज़ों को अलग अलग भूनेंगे और हम सबसे पहले तिल को ले रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका सारा पानी सूख ना जाए और एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। आप टेस्ट करने के लिए आप मुँह में डालकर दे सकते हैं। अगर ये आपको क्रिस्पी लगे तो इसे हटा दीजिएगा, फिर दूसरी चीज़ भूनिए। इन सभी चीज़ों को हमने भून लिया, एकदम क्रिस्पी हो गई हैं और अब हम इन सब चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे। अब हमारा बनकर तैयार है मुखवास।